उन्नाव कांड की पीड़िता की बीती रात दिल्ली में मौत के बाद प्रदेश का सियासी पारा एकाएक चढ़ गया है। मृत पीड़िता के परिवार जनों को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहां उन्नाव के लिए रवाना हुई, वहीं सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि पर आक्रोश जताने के लिए अखिलेश यादव 11 बजे विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी थे। इससे पहले उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर रेप पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कानून व्यवस्था ठीक होने का दावा करती है, लेकिन राज्य सरकार एक बेटी की जान नहीं बचा पाई। उन्नाव की बेटी वो जिंदा रह कर के और डॉक्टरों से यही कह रही थी कि क्या वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। वो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर जो थे इलाज कर रहे थे उनसे कहा उसने, और सबकी कोशिशों के बाद भी, सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी हमसे न्याय नहीं दे पा रहे।